रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पुसौर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, खरीदी केंद्र पर किसानों से बात भी की है। बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। पुसौर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया है, खरीदी केंद्र पर किसानों से बात की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौज। कौन है दवा का दाना? जी हां, दवाएं जो जिंदगी बचाती हैं, दवाएं जो बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देती हैं, लेकिन कुछ दानव ऐसे भी हैं जो नकली दवाओं का धंधा कर रहे हैं, जिनकी वजह से कई लोगों की जान पर बन आती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही धंधा चल रहा है, जहां अस्पताल में दवा नहीं जहर मिल रहा है, और वो जहर 8 लाख मरीजों को खिला दिया गया। सोचिए मरीजों को कितना साइड इफेक्ट हुआ होगा। दवा के दानव की आज पूरी कहानी आपको बताएंगे, कहां से जुड़े हैं तार और किन अस्पतालों में भेजा जा रहा है दवा के नाम पर यह जहर। इस रिपोर्ट में देखिए, घटिया दवा सप्लाई का खेल, अधिकारी भर रहे हैं जेब। ये दवाई नहीं जहरीला फंदा है। जहां देखो गड्ढा ही गड्ढा, जिस विभाग में देखो दानव बैठा है जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, ऐसे ही दानव बीमार व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां भेजी जा रही हैं, और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा घटिया दवा सप्लाई का खेल सामने आया। यानी जो दवा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बांटी गई, वो जान बचाती नहीं बल्कि जान लेती हैं। सरकारी अस्पतालों में नकली दवा, सीजीएमएससी कर रहा अमानक दवा सप्लाई। सेफिडोमिक्स और लिवोसिट्रिजिन दवा को लेकर शिकायत। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट जोन मुंबई के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में सेंट्रल स्टोर को 27 दिसंबर को पत्र जारी किया था, जो 12 जनवरी को पत्र अस्पताल प्रबंधन को मिला। इसमें दवा के सब स्टैंडर्ड होने की बात कही गई। आनन फानन में सीजीएमएससी ने सभी सरकारी अस्पतालों को दवा वापस करने के लिए पत्र लिखा। सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जारी है जो छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। अब इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, सचेत हो जाइए। जहाँ देखो गड्ढा ही गड्ढा है, घोटाला ही घोटाला है। जो दवा खरीदी में अधिकारी लिप्त हैं, जो अमानक दवाएं खरीद रहे हैं, वो सचेत हो जाएं कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि जांच की आंच जिस पर भी पहुंचेगी उसकी खैर नहीं। सीजीएमएससी के जीएम तकनीक हिरेन पटेल ने बताया कि दवा मान फार्मा सप्लाई की गई थी, अब दवा अमानक पाई गई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। दवाई सप्लाई होती है, उसके प्रत्येक बैच की दवा सप्लाई अस्पतालों में हो, उससे पहले जांच जरूरी है। इस प्रकार के प्रोटोकॉल का क्यों पालन नहीं किया जाता है, किस प्रकार की मिली भगत है, इसके लिए एक सतत निगरानी प्रणाली होने की ज़रूरत है, ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाएं न मिलें। दवाइयों में अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम किस बीमारी के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या फिर गैस की दवाई हो गया, पेंटोप्राजोल ओमेप्राजोल, अगर हम इसको दे रहे हैं तो वो उस बीमारी पे काम न करके, गैस की दवाई का काम न करके, लूज़ मोशन, डायरिया और कभी कभी इतना घातक एलर्जिक रिएक्शन होता है कि हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और सामने वाला पेशेंट का डेथ कर जाता है। इसलिए हमको ये चाहिए कि कभी भी हमारे नज़र में अगर सब स्टैंडर्ड लेवल की दवाइयाँ अगर दिखें तो उसको तुरंत नष्टीकरण करना चाहिए, और सरकार को, गवर्नमेंट को इसकी सूचना तत्काल देनी चाहिए। अमानक दवाइयाँ बीमारी पर असर नहीं करती, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती है। अब सोचिए ये धंधा कब से चल रहा था और कितनों की जान खतरों में होगी।
दवा के दानों पर कार्रवाई कब होगी, बड़ा सवाल। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18। तो दानों का क्या, वो तो उन्हें जेब भरने से मतलब है, इसलिए चाहे वो दवा के नाम पर किसी को भले ही मौत क्यों ना बांट रहे हो, और इस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था और अधिकारी भी अपनी जेब भर रहे थे। वह इस मामले के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। निश्चित रूप से कोई भी एनजीओ हैं या गैर सरकारी संगठन हैं जो हेल्थ से संबंधित काम करते हैं, जिनको हम किसी न किसी रूप में उनको प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करते हैं, उन सारे ऐसे काम करने वाले एनजीओ हों चाहे समूह हों, उसकी भी हम जांच करेंगे, और जो जिस काम के लिए निर्धारित हम किए हैं वो काम उसका उस रूप में होना चाहिए, इसकी समीक्षा भी करेंगे। पहले क्या हुआ तो मैं नहीं बता सकता, परंतु आगे हम सतत मॉनिटरिंग सभी क्षेत्रों में करेंगे। बढ़ते आगे, धार के बहुचर्चित